हेलिटोसिस या मुंह से बदबू आने की समस्या आजकल बड़ी कॉमन है, और अगर इस समस्या से आप परेशान हैं तो ये समस्या सिर्फ आपकी समस्या नहीं रह जाती है, क्योंकि इस समस्या से आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी बहुत परेशान होते हैं। ना तो वो आपसे खुलकर बात कर पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, ना तो आपसे दोस्ती कर पाते हैं। इससे हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी बिगड़ती है, और इसका इम्पैक्ट हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। हम कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं कर पाते हैं। अब जो ये मुंह से बदबू आने की समस्या है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो मुंह की साफ सफाई, हाइजीन। दूसरा मुख्य कारण है कि मुंह जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, मुंह में लार नहीं बनती, मसूड़ों में पस आ जाना, मसूड़ों से खून निकलना। साथ ही मुंह जब सूख जाता है बहुत देर तक बंद करके रखते हैं तो आपकी जीभ में वाइट डिपोजिट, जो सफ़ेद रंग की परत चढ़ जाती है, उसकी साफ सफाई ना करना, मुंह में बैक्टीरियाज का पैदा हो जाना, साथ ही लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से खान पान जो है आपका प्रॉपर नहीं होने की वजह से इनडाइजेशन की समस्या, पेट में पड़ा पड़ा खाना अगर सड़ने लगता है, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही अगर आपको अत्यधिक स्ट्रेस की समस्या है, ये तो हो गई कुछ समस्याएं। अब इन समस्याओं से लड़ना भी पड़ेगा ताकि इन समस्याओं की जो जड़ है उसको ही खत्म किया जा सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी जिनकी मदद से आपकी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होगी, जो भी खाया पिया है उसको पचाने में मदद मिलेगी, इनडाइजेशन की समस्या दूर होगी, साथ ही अच्छी तरीके से उस खाने को मल के थ्रू और यूरिन के थ्रू आप शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, मुंह में जो लार नहीं बनती, लार भी हमारे खाने को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कुछ ऐसे प्राणायाम जो लार के प्रोडक्शन में मदद करेंगे, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेंगे, शरीर में जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई भी करेंगे। इसके अलावा अत्यधिक स्ट्रेस की जो समस्या है उस स्ट्रेस की समस्या को दूर करेंगे, जो कि ये सारे के सारे कारक मदद करेंगे आपके मुंह की जो बदबू है उसको, उसका परमानेंट कुछ समाधान देंगे। बाकी के सारे समाधान तो आप कर रहे होंगे, लेकिन साथ में इन प्राणायाम का अभ्यास भी आज से ही शुरू कर दें। चलिए इन प्राणायाम को सीखते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और नीचे घंटी का निशान दबा देंगे तो आपको फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे एक यौगिक क्रिया जिसको कहते हैं कपाल भाति क्रिया। इस अभ्यास को अगर आप करते हैं तो इससे हमारी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होगी, यानी अंदर से साफ सफाई होगी, साथ ही जो कुछ भी खाया पिया है वो आसानी से अच्छी तरीके से पचेगा, साथ ही आपके शरीर को ये नेचुरली डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से आप क्रॉस लेग पोजीशन पे सुख आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ दें, यानी थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ दें, बाकी की तीन उंगलियों को इसी तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रहने दें। सारे अभ्यास में हम इसी तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठेंगे। किसी कारण से अगर आप इस तरीके से पालती मार के ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ऐसे झुकी हुई ना हो, जब भी ऐसे झुक जाएं आप कमर गर्दन को सीधा कर लें, चेहरे को एकदम शांत एकदम रिलैक्स रखें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। अब अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं 40 राउंड्स की पंपिंग कर रही हूँ कपाल भाती क्रिया की। आप चाहें तो एक मिनट में 60 पंपिंग भी कर सकते हैं, और इसके तीन सेट करना है, 40 के तीन कर लें, 60 के तीन कर लें, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। आंखें बंद कर ली और सांस लिया, और सांस को आप फोर्सफुल छोड़ेंगे अपनी नाक से, नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लेना नहीं है।
अब शांत आंखों को बंद किए हुए बैठे रहें, शरीर को हिलाएं डुलाएं नहीं। तो जैसे मैंने अभी अभ्यास 40 पंपिंग की, 40 बार पंपिंग की, सिर्फ सांस को छोड़ा, जोर से सांस को लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सांसें आएंगी। तो सांस को छोड़ना है और सांस को लेने की चिंता नहीं करना है, वो अपने आप आएंगी जैसे ही आप फोर्सफुल सांस को छोड़ेंगे। तो इसका अभ्यास आपको 3 सेट करना है ना, और 3 सेट में 40-60 की पंपिंग इस तरीके से करें। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे जिसको कि कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे लोहार अपनी भट्टी की आग को तेज करने के लिए एक तरीके की धौंकनी का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से भस्त्रिका का अभ्यास करने से उस लोहार की भट्टी की जैसे आग तेज होती है ना, वैसे हमारी डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होती है। इस डाइजेस्टिव फायर के इम्प्रूव होने से जो कुछ भी खाया पिया है वो आसानी से पचेगा और उसके पोषक तत्व आपके शरीर में लगेंगे, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट होगा और जो बैड ब्रेथ की समस्या है, मुंह से बदबू आने की समस्या है, वो भी छूमंतर हो जाएगी कुछ दिनों के अभ्यास से। तो आंखों को बंद कर लिया, कमर गर्दन को सीधी रखा और चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। मुंह को बंद रखिए। पिछले अभ्यास में हमने सिर्फ सांस को छोड़ा था, सांस लेने की हमने कोशिश नहीं की थी। इस अभ्यास में हम सांस लेंगे भी और सांस छोड़ेंगे भी। किस तरीके से अभ्यास करेंगे, अभी मैं इसको सिर्फ 20 टाइम्स कर रही हूँ। आंखें बंद कर ली और मुंह बंद कर लिया और शुरुआत करें। शांत बैठे रहे, आंखों को बंद रखें, हाथों को ना खोलें, पैरों को ना खोलें और अभ्यास के तुरंत बाद जो कुछ भी बदलाव शारीरिक और मानसिक हो उसकी जानकारी बना के रखें। इस अभ्यास को भी आपको 3 सेट करना है। अभी जैसे मैंने 20 टाइम्स इनहलेशन और एक्सहलेशन किया, रैपिड किया, अगर आप इसको इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू शुरू में कैसे अभ्यास कर लें, यानी सिर्फ इसमें छाती मूव होगी, ठीक है। कपालभाति में तो पेट मूव होता है, ऐसे ये हो गया कपालभाति, और भस्त्रिका में इस तरीके से पेट नहीं मूव होगा। तो जब स्लो अभ्यास करें तो इसका अभ्यास ऐसे करें, यानी सांस लेने में भी एफर्ट हो और सांस छोड़ने में भी एफर्ट हो। तो धीरे धीरे अभ्यास कैसे करें, ऐसे। और आंखों को बंद कर लें। कुछ लोगों को ऐसे होगा कि जब आंखें बंद करेंगे तो तुरंत अभ्यास के बाद सर घूमेगा, चक्कर आएगा, तो ये बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है, ऐसा होता ही है सबके साथ। ये दूसरा अभ्यास हो गया। अब तीसरा अभ्यास करेंगे जो कि हमारे मन को शांत करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और साथ ही हमारे जो ब्रेन की कार्यक्षमता है उसको इम्प्रूव करेगा। इस अभ्यास से भी आपके शरीर की आंतरिक जो है क्लिंजिंग होती है, जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बहुत सिंपल तरीके से आपको अभ्यास बताऊंगी। इस अभ्यास को आपको कम से कम 5 मिनट हर रोज करना है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप कभी भी अभ्यास कर लें। हाँ, भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करते वक्त ये ध्यान रखें कि पेट खाली हो, लेकिन अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने दाहिने हाथ को मुद्रा लगाएं और बाएं हाथ को आपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लिया, कमर गर्दन सीधी रखिए, चेहरे को एकदम शांत और एकदम रिलैक्स रखिए। अब अपने दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए। बहुत जोर से ऐसे मत बंद कर लीजिएगा, बहुत से जोर से लोग बहुत ऐसे बंद कर लेते हैं, सिंपल, क्योंकि सांसों को बस रोकना है। अब गहरी लंबी सांस अपनी लेफ्ट नासिका से लें, लेफ्ट को बंद करें और राइट से छोड़ दें। फिर सांस लें अपनी दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से, राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ दें।
तो ये हो गया एक चक्कर। अभी जो रेशियो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो कंप्लीट बिगनर कैसे करेंगे, जितनी सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से लें, बाई नासिका से लें, उतनी ही सांस अपनी दाहिनी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रल से छोड़ें। फिर जितनी सांस अपनी दाहिनी नासिका से लें, उतनी ही सांस अपनी बाई नासिका से छोड़ दें। ऐसा ये एक चक्कर हो गया। इस तरीके के आपको कम से कम 9 चक्कर 12 चक्कर 15 चक्कर अभ्यास करते रहना है। जरा काउंटिंग करके मैं आपको बताती हूँ, 5 बार इसका अभ्यास। सांस लें अपनी लेफ्ट से, 1 2 3 4, ऐसा काउंटिंग आप मत कीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। राइट नासिका से सांस छोड़ें, 1 2 3 4, फिर राइट नासिका से सांस लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, 1 2 3 4, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट। इस तरीके से सारे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखें, कंधों को रिलैक्स रखें, चेहरे को रिलैक्स रखें। ऐसा ना हो कि सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त, फिर सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त, ऐसे डांस नहीं करना है, नाचना नहीं है, सिंपल अभ्यास रखना है। जितनी आसानी से सांस आ जाए सांस ले लीजिए, और जितनी आसानी से सांस छूट जाए उसको छोड़ दीजिए। अब जब कुछ दिनों का ऐसा अभ्यास हो जाए, कुछ हफ्तों तक, तो इसी तरीके से अभ्यास करें, जितनी सांस लें उतनी सांस छोड़ दें, फिर दूसरी नासिका से सांस लें और पहली नासिका से सांस छोड़ दें। जब कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास में आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर सांसों को छोड़ने का अभ्यास जो है उसको दोगुना कीजिए। सांस ले लीजिए लेफ्ट से, और जब राइट से छोड़िए तो जितनी सांस ली थी उसी दोगुनी सांस छोड़िए। इससे क्या होगा कि नई सांस जब आएगी तो वो और गहरी हो जाएगी, क्योंकि उसको वो जगह मिल गई है आपके फेफड़ों में, और इससे आपकी सांसें भी लंबी होंगी और गहराई आएगी। चलिए ज़रा करके बताती हूँ आपको, 3 सेट और। अपनी राइट नासिका को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस लिया, 1 2 3 4, राइट को खोलें और राइट से सांस को छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा फेफड़ा खाली हो गया, नई सांसें भर लीजिए राइट से, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़िए, बहुत धीरे 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 धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार और, इनहेल लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, एक्सहेल राइट, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस ले लीजिए राइट से, सांस छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस ले लीजिए लेफ्ट से, 1 बार और, राइट से सांस को छोड़ दीजिए, धीरे 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 धीरे, जितनी देरी तक सांस छोड़ सकते हैं धीरे धीरे छोड़ें। सांस ले लें, लास्ट इनहलेशन राइट, और सांस छोड़ दें लेफ्ट, धीरे 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 सांस छोड़ दिया। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर लें और कम से कम 1 मिनट तक शांति से बैठे रहें, आंखों को बंद किए हुए, ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर रखें और अपनी सहज स्वाभाविक सांसों को आता और जाता हुआ देखें। तो ये तो हमने कर लिया कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जिसमें मैंने आपको 2 तरीके के रेशियो में अभ्यास बताया। अब मैं आपको 2 और प्राणायाम का अभ्यास बता रही हूँ, जो कि आपके मुंह में लार यानी सलाइवा का प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि मुंह जो जल्दी से सूखेगा नहीं, और जो आपका लार है इसमें आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने वाले एंजाइम होते हैं। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस
खाने को चबा के खाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे कि खाने को कम से कम 32 बार चबाओ ताकि वो खाना जो है पेट में जाने से पहले अधपचा हो जाए, यानी जो काम आपका आपकी आंतें करने वाली है उसका काम आप अपने दांत से ले लें ताकि आपकी आंतों का जो काम है वो आसान हो जाए। चलिए बताती हूँ शीतली प्राणायाम का अभ्यास किस तरीके से आप करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीतली यानी आपके शरीर को शीतल करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है, मन को शांत करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। जीभ को बाहर खींचे और जीभ की ट्यूब बनाएं, मुंह से सांस लें, उस सांस को पी जाएं और फिर पीने के बाद इस सांस को अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। देखिए करके बताती हूँ, जीभ बाहर निकालें, ट्यूब बना लें ऐसी, पी जाएं सांसों को, कुछ देर रोक के रखें और फिर उसके बाद अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस को छोड़ दें। ऐसे इस तरीके से सांस लें अपने मुंह से, बाहर की सांस मुंह से टकराएगी, गर्म सांस मुंह में ठंडी हो जाएगी, पेट पर भर जाएगी और फिर उसको छोड़ने के लिए अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। 3 बार मैं अभ्यास और करके आपको बता रही हूँ। आंखों को बंद कर लिया, कमर गर्दन को सीधी रखिए, चेहरे को एकदम रिलैक्स रखिए, मुंह से सांस लीजिए, पी जाएं इन सांसों को और अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं से सांस को छोड़ दें। देखिए अगर आप कुछ देर तक सांसों को रोक सकते हैं तो सांसों को रोक भी सकते, रोक किएगा भी। किस तरीके से, मुंह से सांस लें, पी जाएं सांसों को, रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें जितनी देर तक आसानी से छोड़ सकते हैं। फिर से सांस लें मुंह से, रोक लें सांसों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें। तो इस रेशियो में भी अभ्यास किया जा सकता है, जितनी सांस लें उसके दोगुनी सांस रोकें और फिर दोगुनी सांसों को बाहर छोड़ दें। अब बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो अपने जीभ का इस तरीके से ट्यूब नहीं बना पाते हैं, शीतली का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को बहुत सिंपल इस तरीके से करते हैं कि ऊपर वाला जो दांत का जबड़ा है और नीचे वाले जो दांत का जबड़ा है इनको मिला देंगे, जोड़ देंगे, जिससे बाहर की जो सांस है उसको मुंह से खींचेंगे तो मुंह की जो ठंडी ठंडी जगह है, लार है, इससे टकराकर ठंडी सांस पेट पर जाए, लार प्रोड्यूस होगा इससे आपके मुंह में और फिर उसके बाद जिस तरीके से शीतली का अभ्यास कर रहे थे लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देंगे। तो आराम से कमर गर्दन को सीधी रखिए, चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट, दांत को जोड़िए, मुंह से सांस लीजिए, सांस को नहीं रोकना चाहते हैं तो अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। 2 बार और देंगे, जो बिगनर है वो सांस ना रोके, सांस लें मुंह से, पी जाएं सांसों को और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। 1 बार और अभ्यास देके सांस लें मुंह से, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। यदि सांसों को रोकना चाहते हैं रेशियो 1:2:2 का अभ्यास, तो सांस लें मुंह से, रोक लें सांसों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। ये जो काउंटिंग है ये आपको नहीं करना है, ये आपकी समझदारी के लिए मैं बता रही हूं। सांस लेंगे मुंह से, बंद कर लेंगे सांस, अपनी सांसों को रोक लेंगे, होल्ड करेंगे सांसों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अपनी राइट नॉस्टल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। इसका अभ्यास कम से कम आप 5 मिनट कर लें और अगर नंबर ऑफ राउंड में करना चाहे तो 9 से 10 राउंड इसका अभ्यास कर लें हर रोज़। इसको भी आप किसी भी वक्त अभ्यास कर सकते हैं, साथ ही गर्मियों के मौसम में अगर इसका अभ्यास कर सकते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी को ये अभ्यास कूल करता है। जैसे नाम ही है कूलिंग प्राणायाम, तो सबसे पहले हमने किया कपालभाति, फिर किया भस्त्रिका, फिर किया अनुलोम विलोम, फिर किया शीतली और फिर किया शीतकारी का अभ्यास। ये सारे प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आपको आधे घंटे का समय तो लेंगे ही, और आधे घंटे का समय अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया खुद के ऊपर तो आपकी जो बैड ब्रेथ की समस्या है, मुँह से बदबू आने की समस्या है, इसका परमानेंट इलाज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग योगा प्रैक्टिशनर हैं और अपनी प्रैक्टिस को और डीपन करना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है घबराइए नहीं, हर एक प्रैक्टिस को मॉडिफाई किया जाता है इस तरीके की कि हर स्टूडेंट अभ्यास कर सके। अब इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्लिंजिंग टेक्निक और बहुत से ऐसे टिप्स जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपके लिए मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जैसे योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, मेडिटेशन और प्राणायाम का कोर्स। इन कोर्सेज को जब आप परचेस कर लेते हैं तो आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है और इस पूरे 1 साल में आप कभी भी कहीं भी कितनी भी बार इन वीडियोस को चलाइए और शुरू हो जाइए योग का अभ्यास करने के लिए। और ये वीडियोस भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप इन कोर्सेज को कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया इन प्राणायाम का अभ्यास। आपको इन प्राणायाम का अभ्यास आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए ताकि मुंह से जो बदबू आने की समस्या है उससे आपको भी छुटकारा मिले, साथ ही आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, यानी एक पंथ दो काज। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए, आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो नीचे जो ये लाइक का बटन दिख रहा है ना, थम्स अप का बटन दिख रहा है ना, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे आसनों को मैं बताऊं जिससे आपकी इनडाइजेशन की समस्या बेहतर हो और मुंह से बदबू आने की समस्या जो है उससे छुटकारा मिले, तो मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है, आप इसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुद भी योग कीजिए और अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो निरंतर योग का अभ्यास करें ताकि उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिल सके। अपना ख्याल रखें, नमस्ते।